यो व्हाट्सअप लवली पीपल, आ चुका है एक नई वीडियो साथ और मेरे हाथ में पतंग, क्योंकि आज है मकर संक्रांति। जी हाँ, मकर संक्रांति है, तो आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। यार मकर संक्रांति है तो ऐसे में पतंग उड़ान तो बनता ही है, इसलिए हम लाके आए हैं काफी सारी यहाँ पर पतंग। यार पतंग उड़ाने से पहले सबसे पहले करने पड़ेंगे इसमें कनेक्शन। बहुत से लोगों को हो सकता है कनेक्शन इसके करने ना आते हो, यानी कि इसमें जो कंगने बांधते हैं मांझे से या धागे से जैसे बांधते वो आपको आता ना हो, तो सबसे पहले मैं इसमें बांधना बताऊंगा किस तरह से इसके कनेक्शन करने, उसके बाद उड़ाना भी इसमें बताने वाला हूँ किस तरह से उड़ाने वाले हम लोग। आप देख के हो सकता है सीख जाएं इसको पतंग को उड़ाना, अगर उड़ाने वाले सोच रहे हैं आप तो फिर ट्राई करेंगे इसको काफी हाइट तक पहुंचाने का, यानी जितनी हाइट तक ये जा सकती है उतनी हाइट तक हम इसको पहुंचाएंगे। तो फटाफट से यार इसमें कंगने बांधते हैं और करते हैं पतंग को उड़ाना स्टार्ट। उससे पहले आप प्लीज अभी से कर दीजिएगा वीडियो को लाइक एंड शेयर, और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को भी कर लेना सब्सक्राइब। तो फटाफट से इसमें जो कंगने बांधते हैं फिर इसको उड़ाते हैं। गाइस ले ली हमने पतंग, यार सबसे पहले इसमें छेद करने पड़ेंगे कंगने करने के लिए। आप यहां देख रहे हैं इस तरह से जो सर्कल जाता है पतंग का, तो यहां पर यार होल कर देते हैं कुछ इस तरह से, एक इधर की तरफ कर दीजिए और एक इधर की तरफ हल्का सा होल कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो नीचे का होल जो करते हैं एक होल, तो यहाँ पर धागा यानी इधर की तरफ से बनेगा तो इधर की तरफ से, तो यहाँ पर जो देखते हैं हम लोग नीचे वाला जो होल करना होता है, नीचे वाले छेद जो कंगने करते हैं वो कहाँ पर करते हैं पहले तो इसका देख लेते हैं। इसकी जो कितनी लेंथ है, इसकी कितनी लेंथ है, तो इसके ऑलमोस्ट डबल इधर की साइड से यहाँ पर ले लीजिए, इतना डबल इसका डबल, तो इतनी हाइट पर यहाँ पर जो कंगने कर देते हैं छेद राइट इस तरह से, यानी कि इसका लेंथ जो नीचे की तरफ डबल होनी चाहिए इतनी, सबसे ऊपर की तरफ जहाँ पर होल किया था इसमें बांध देते हैं, इसके कनेक्शन करके देते हैं। ध्यान रखेंगे धागा इधर की तरफ ही निकलना चाहिए, पीछे की साइड नहीं निकलना चाहिए, इधर की तरफ से निकल चुका है धागा हमारा। और इसमें गांठ लगा देते हैं एक, ऑलराइट एक गांठ यहाँ पर लग चुकी है। अब बचा हुआ सिरे की भी गांठ लगा देते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ जहाँ पर होल किया हमने। ऑलराइट, तो कुछ इस तरह की हमारी पतंग इस वक्त हो चुकी है, कुछ इस तरह का धागा इसमें हो गया। ऑलराइट, अब इसको बैलेंस करके बांधना है। सो गाइस हमारी पतंग के जो कनेक्शन यहाँ पर हो चुके हैं, कंगना हमने इसमें बांध दिया। अब हम मांझे के साथ में कर लेते हैं कनेक्ट जो हमारा धागा है पतंग उड़ाने के लिए यूज़ करने वाले। इसमें गांठ लगा देते हैं एक इस तरह से। ऑलराइट, हल्का सा क्या करना है इसको, हल्का सा पतंग को इस तरह से मोड़ेंगे हल्का सा। ऑलराइट, अब जब इस पतंग को उड़ाते हैं तो गाइस इस चीज़ का ध्यान रखें, पतंग की चोंच जो ऊपर की तरफ होगी तभी हमने इसको इस तरह से खींचना है। अगर इस तरह से खींचते हुए क्या हो रहा है, अगर पतंग हो रही है भारी, तो भारी होने पर क्या करेंगे, इसके जो आगे वाले सिरे हैं, आगे वाले सिरे इसमें एक गांठ बांध देंगे, इससे क्या होगा पतंग हमारी जो हल्की हो जाएगी। एक गांठ लगा देता हूँ क्योंकि पतंग मेरे को यहाँ पर थोड़ी सी भारी फील हो रही है। ऑलराइट, अब करता हूँ ट्राई उड़ाने का। मांझा हमारा यहाँ पर नीचे की तरफ, हवा यहाँ पर चल रही, जैसी चोंच इसकी ऊपर की तरफ रहेगी वैसे हम इसमें जो ढील देते चले जाएंगे, खींच मारते चले जाएंगे। हालांकि ये पतंग मुझे लग रहा है घूम रही है थोड़ी, कोई बात नहीं हम घूमती हुई उड़ा देंगे। जब भी इसकी चोंच ऊपर की तरफ रहेगी गाइस तभी आपने क्या करना, ठुमका लगाना है कुछ इस तरह से हाथ से। अब पतंग की चोंच अगर नीचे की तरफ रहेगी आप ठुमका मारेंगे, इससे क्या होगा आपकी पतंग जो नीचे आ जाएगी। बट यहाँ क्या हो रहा है, ये हवा के साथ जो, ओ माय गॉड, ठीक है पतंग हमारी नीचे आ गई। ऑलराइट, तो गाइस कई बार इस तरह की समस्या भी होती है कि पतंग जो उड़ाते हुए क्या होता है उसमें कि पतंग जो बैंड हो जाती है एक तरफ को नीचे की तरफ गिरने लगती है, वो होती है इस वजह से कि उसमें एक इस तरह से कुछ करना होता है, इसको इस तरह से हल्का सा बैंड करना होता है। कई बार इस वजह से पतंग जो सिंपल नीचे की धम से आगे नीचे गिर जाती है, इसलिए फिर से मैंने इसको एक बार वो ट्राई किया इस तरह से, और अब मैं फिर से उसको उड़ाता हूँ। ऑलराइट, यहाँ पर हवा काफ़ी तेज है गाइस। ऑलराइट, इसकी चोंच को ऊपर करेंगे और इस तरह से बस, कुछ ज़्यादा करना ही नहीं पड़ेगा मुझे लगता है क्योंकि हवा यहाँ पर बहुत तेज़ है। ऑलराइट, ऊपर जाके पतंग हमारी यहाँ पर जो काफ़ी भारी हो जाएगी आने वाले टाइम में मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पर हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। और जैसे ही पतंग की चोंच ऊपर की तरफ रहे, अब पूंछ यानी नीचे की तरफ रहे, तो तभी आपने जाने क्या करना है, आपने खींच मार देनी है, ठुमका लगा देना कुछ इस तरह से, तो आपकी पतंग तो बड़ी आसानी से उड़ने लग जाएगी। और राइट, तो गाइस काफ़ी हाइट तक हमारी पतंग जो चली गई है इस वक्त, आप देख सकते हैं काफ़ी छोटी हो गई होगी जहाँ तक मुझे लगता है कैमरे में दिखनी इस वक्त, और काफ़ी आसानी से हमने यहाँ पर जो बड़ी आसानी से काफ़ी आसानी के साथ हमारी पतंग जो यहाँ पर उड़ चुकी है और काफ़ी प्यारी भी लग रही है, क्योंकि हमने कलर भी इस पर तरह का यहाँ पर चूज़ किया है जो दूर से ही दिखेगा। कई बार क्या होता है कि हम वाइट पतंग उड़ाते हैं या लाल भी उड़ाते हैं, लाल भी कई बार नहीं दिखती, जबकि ब्लू कलर है ना बड़ी दूर से दिखता है, डार्क ब्लू है थोड़ा ब्लैक भी उसके साथ में, तो ये काफ़ी प्यारा यहाँ पर जो लग रहा है। ऑलराइट, और जितनी ऊपर पतंग चली जाती है फिर उतना ही उसको उड़ाना और भी ईजी हो जाता है, क्योंकि वो फिर इधर उधर मुड़ती नहीं है ज़्यादा, घूमती हुई है तो, बट उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। ऑलराइट,
बस अब इसको पकड़ के खड़े हो जाइए, मुझे लगता है टुक्कल पतंग हो चुकी है। जी हाँ, यानी पतंग को अगर रोक के धागे से मतलब पकड़ के आप खड़े हो जाए, जो पतंग ऊपर उड़ती रहे सीधा, तो उस पतंग को बोलते हैं टुक्कल। टुक्कल यानी वो किधर उधर ज़्यादा मूव नहीं करेगी, नीचे नहीं गिरेगी, ऊपर की तरफ ही उड़ती रहेगी। अब ये हल्की हल्की यहाँ पर जो घूम रही है, और तो फिलहाल भाई साहब यहाँ पर पेंच लगाने की तैयारी हो चुकी है, लेकिन पेंचे लेने के लिए यहाँ पर हमारे आसपास यहाँ पर कोई भी यहाँ पर जो नहीं है। मुझे लगता है यहाँ से काफ़ी छोटी पतंग यहाँ पर दिख रही होगी। मैं कैमरा उनको कहूँगा मेरी तरफ आना, जरा धागा दिखाना, धागा धागा धागे पास से दिखाना, धागे पास से ऊपर की तरफ जाते हुए विदाउट जूम किए दिख रही है, छोटी छोटी दिखाना मेरे को। तो गाइस मैं भी फिलहाल देखता हूँ कैमरे में किस तरह की दिख रही है, क्योंकि आंखों से तो काफ़ी बड़ी दिख रही है। ओ माय गॉड गाइस, आप देख सकते हैं कैमरे में कितनी छोटी यहाँ पर जो पतंग दिख रही है, कैमरा मैंने अब देखा कि और कितनी हाइट तक पतंग जा चुकी है, बहुत जरा सी दिख रही है, एक डॉट की तरह दिख रही है। और आप देख सकते हैं ग्राउंड यहाँ पर है, और पतंग की हाइट देखिए कितनी ऊपर जा चुकी है पतंग। ऑलराइट, काफ़ी हाइट तक जा चुकी है। तो यार काफ़ी आसान है पतंग को उड़ाना, इस तरह से आप जो पतंग को उड़ा सकते हैं, बड़ी आसानी से हमने इसको उड़ा दिया है और बड़े अच्छे तरीके से ऊपर उड़ चुकी है। यार मैंने एक जगह रोका हुआ, इसलिए थोड़ी सी ग्राउंड राउंड घूमने भी लग रही है, बट घूमने के बाद फिर ऊपर की तरफ ये सीधी चली जाती है। तो गाइस मैं खींच मारना बताता हूँ पतंग को खींच कैसे मारते हैं। गाइस खींच मारने का तरीका होता है, जब पतंग को चोंच ऊपर की तरफ होनी चाहिए, और खींच मारने के लिए एक हाथ से खींचेंगे इस तरह से, फिर दूसरे हाथ से इस तरह से खींचेंगे, इस तरह से हमारी पतंग जो ऊपर चली जाएगी, पतंग की चोंच ऊपर की तरफ हो तो इस तरह से आपने खींच मारनी है, लाइक दिस लाइक दिस, धीरे धीरे एक हाथ से खींचिए, फिर अगले हाथ से खींचिए, फिर दूसरे हाथ से खींचिए, इस तरह से आप खींच के जो पतंग खींच मार सकते हैं। मोस्टली जो पतंग कटती है, आप अगर पेचे लेते हैं तो उसमें क्या पतंग कैसे कटती है, पतंग काटने के लिए आपको खींच मारना पड़ता है, कई बार ढीलों में भी कट जाती है, कुछ लोग ढीलों के एक्सपर्ट होते हैं, वो ढीलों में ही पतंग काट देते हैं लोग ही, लेकिन खींच मारने का तरीका ये होता है, खींच मारने में ज़्यादातर चांसेस होते हैं अगर आप अच्छे से खींच लगा सकते हैं, पहले एक हाथ से खींचिए फिर दूसरे से, फिर इस तरह से आप एक प्रैक्टिस कर सकते हैं तेज़ तेज़ खींचने की, इतनी आसानी से आप जो पतंग किसी की भी काट सकते हैं और जो धूम मचा सकते हैं अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में। सो गाइस, तो आपने देखा किस तरह से पतंग को हम उड़ा सकते हैं, किस तरह से उसके कनेक्शन कर सकते हैं, काफ़ी आसान है, काफ़ी सिंपल तरीके से आप उड़ा सकते हैं। अगर आपको वीडियो आई हो पसंद तो प्लीज़ वीडियो कर दें लाइक एंड शेयर, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।